हेलो गाइज, आज मैं आपको ट्राउजर मोहर डिजाइन बताऊंगी जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। जो ट्रायंगल वाले आम पत्ती बनाते हैं उनका मैं ये डिजाइन बनाऊंगी। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके लिए हमने सबसे पहले ये प्रेस टीज पर चिपका ली है। ये हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है उस पर चिपकाई है। एक साइड से हमने 1/2 इंच फोल्ड करने के लिए रखा है और इधर से हमने लगभग पूरा ही कट कर दिया है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इसकी लंबाई हमने जो हमारी ट्राउजर की नीचे मोहरी की जो चौड़ाई है उसकी जितनी लंबी ली है ये हमने 8 इंच 16 इंच की ली है 8 इंच फोल्ड होने के बाद। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो लगभग 1 इंच चौड़ी ली है। तो अब हम इसको इस तरह से उल्टे हिस्से पर रखेंगे। ये हमारा पैंट का उल्टा हिस्सा है और इसको इस तरह से रखते हुए हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। 1/2 इंच लिया हमने नीचे फोल्ड का, जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें इस डिजाइन में वो नहीं लेना। तो हमने इस तरह से इसको रखना है और बिल्कुल हल्का सा पाइपिंग जितना दबाते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है पूरे पर। तो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दबाना है, जितनी हमने पाइपिंग निकालनी है उसके हिसाब से ये हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और ऐसे ये पाइपिंग हमारी निकल आएगी। अब हमें इसके बिल्कुल पास पास से सिलाई लगा देंगे। ये हमने पाइपिंग निकाल ली है। अब हमें जो ये हमारा ओपन हिस्सा है इस पर से इस कन्नी पर को सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे यहाँ तक रेडी हो गया है। अब हमने ये लगभग 1/4 इंच की पट्टी है जो 9 इंच लंबी ली है। ये 1/4 इंच की चौड़ी है और 9 इंच हमारी ये लंबी है। ये हमने पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और इस पर फैब्रिक पर चिपका लिया इसको भी। अब हम इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे इस तरह से। ये हमने चारों तरफ से इसको कवर कर लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक क्रीज बना लेंगे और चौक से निशान लगाएंगे पूरे पर ताकि हमें सेंटर का पता चल जाए। हम पेन से भी निशान लगा सकते हैं इस पर ऐसे। और अब हम इसको बिल्कुल जो हमारी ये टांका लगा हुआ बीच में इस पर रखेंगे ऐसे बिल्कुल नीचे तक जहाँ तक हमारी पाइपिंग है। और जो हमारा सेंटर है इसके ऊपर ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पर भी एक चौक का निशान लगा लेंगे और इसके हमें यहाँ से जो हमारा ये चौक वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल साइड से एक सिलाई लगाते हुए चलेंगे। और यहाँ 1/2 इंच तक आने के बाद हम हल्का है ऐसे करके इस तरह से सिलाई को वापस लेके जाएंगे पूरे पर। ये हमने इस तरह से ऐसे पूरे पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसको बिल्कुल जो हमारा सेंटर है चौक लगाया था जहाँ पर हमने वहाँ से कट कर लेना है इस तरह से। और इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं दोनों तरफ। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे पूरे को। ये हमने ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर त्रिकोण वाला जो डिजाइन है वो बनाएंगे, जो ट्रायंगल शेप में हमने बनाना है उसको। तो हमने उसके लिए ये 2 कलर की पट्टी ली है, जो हमारी बॉटम है उसका और जो कमीज का कपड़ा है वो। तो इनको हमने इस तरह से लंबी ले ली है। अब ये लगभग 2.25 इंच चौड़ी है और लंबी हमने वो पट्टी जितनी भी कट करनी है उस हिसाब से ले लेनी है। तो अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह पूरे पर। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिया। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इस पर प्रेस से इसको जमा लेंगे। और प्रेस से जमाने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से, ये हमने इस तरह से सभी को प्रेस से जमा लिया है। अब हम इसको जो हमारा बॉटम वाला कपड़ा है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और जो कमीज वाला है वो बाहर रहेगा। और इसको कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। हमें बीच में थोड़ा सा कपड़ा रखना है ताकि हमारा हल्का हल्का ये दिख जाए इस तरह से। ऐसे करके इसको भी हम प्रेस से एक बार जमा लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये हमने ट्रायंगल शेप बनाकर इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको
हमने एक मोहरी पर इस साइड लगाने हैं और एक पर इस साइड, तो हम इस पर ये हमने यहाँ से ये लगभग 2 इंच का ओपन हिस्सा हमने यहाँ नीचे छोड़ देना है और उसके बाद हमें यहाँ से रुक ये हमारे जो ट्रेंगल है हमने इस तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सेम ऐसा धागा चढ़ा के और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक हमें ये इस तरह से लगभग 2 इंच का ओपन हिस्सा रखते हुए इनको इस तरह से ऐसे हल्का सा दबाव देंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे पूरे पर। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो ट्राउजर का मोहरी डिजाइन है ये बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और मुझे लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।